हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोज़ देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4.6 स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल्स को समझते हैं। सर्कल्स क्या होते हैं? अ सर्कल इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज़ नॉट अ पॉलीगन। एक सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि एक पॉलीगन नहीं होता। मैंने आपको कर्व के बारे में बता रखा है, ये एक सिंपल एक कर्व होता है जो कि क्लोज्ड होता है, ठीक है। और इस ये एक पॉलीगन नहीं होता। क्यों नहीं होता ये पॉलीगन? क्योंकि इसके अंदर कोई लाइन सेगमेंट नहीं होती, इसलिए ये पॉलीगन नहीं होता। आप देख सकते हैं इस सर्कल को, इसके अंदर कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब हम सर्कल के पार्ट्स पढ़ते हैं। तो सर्कल में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेडियस। रेडियस क्या होता है? द रेडियस इज द लाइन सेगमेंट डेट कनेक्ट्स द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल। रेडियस उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल को एक पॉइंट से जोड़ती है, और वो पॉइंट कहाँ पर होता है? सर्कल की बाउंड्री पे, ठीक है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक अटैच होती है, और वो पॉइंट बाउंड्री पे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये सी जो है सेंटर है सर्कल का। यहाँ पे हमने सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, ए पी बी और एम। तो अब जब मैं सी से इन पॉइंट्स को जोड़ता हूँ, जैसे सी से मैंने एम को जोड़ा, ठीक है, ये वाली लाइन, सी से मैंने ए को जोड़ा, ये वाली लाइन, सी से मैंने पी को जोड़ा, ये वाली लाइन, और सी से मैंने बी को जोड़ा, ये वाली लाइन। तो ये सारी लाइंस को हम रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये सारी लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है इक्वल होती है। इसका मतलब जो रेडियस होता है सर्कल का वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट बना के उसको सेंटर से कनेक्ट कर दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर भी पॉइंट बनाता, यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाता जिसका नाम मैं देता लेट सपोज आर, और यहाँ से भी अगर मैं सेंटर से ऐसे कनेक्ट करता तो इसकी भी जो लेंथ होती वो इन सब के सेम आती। तो याद रखना, हमेशा जो रेडियस होता है सर्कल का वो सेम होता है। तो अब ये सी ए सी पी सी बी सी एम ये सब के सब क्या हैं? इस सर्कल की रेडियस हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा डायामीटर। सर्कल का डायामीटर क्या होता है? जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को जोड़े, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ बने होने चाहिए? ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ये पॉइंट बने होने चाहिए, और जब हम इन पॉइंट को जोड़ रहे हों तो वो लाइन हमेशा सेंटर से पास होनी चाहिए, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि दो पॉइंट्स को जोड़ती है जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर बने हुए होते हैं, और ये लाइन सेगमेंट हमेशा सेंटर से पास होती है। तो पी एम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या है? सर्कल का डायामीटर। तो पी एम हमारा क्या हो गया? डायामीटर। लेकिन अगर मैं इसका हाफ कर दूँ, पी एम का हाफ करूँगा, तो कहाँ तक आएगा मेरा? पी सी तक, ठीक है। तो पी सी क्या हो जाएगा? रेडियस। और पी एम क्या हो जाएगा? हमारा डायामीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायामीटर जो होता है वो एक्चुअली रेडियस का टू टाइम्स होता है, टू टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। जो डायमीटर होता है हमारा वो रेडियस का टू टाइम्स होता है, ये ध्यान रखना आप। अब अगला टॉपिक आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि दो पॉइंट्स को जोड़ती है, ठीक है, और वो दोनों के दोनों पॉइंट अगेन सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका पी और एक पॉइंट है बी, ठीक है। ये दोनों के दोनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर बने हुए हैं, देख सकते हो आप, और एक लाइन सेगमेंट जो है पी और बी को जोड़ रही है। कौन सी? ये वाली लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसे कोर्ड कहते हैं। तो अब डायमीटर और कोर्ड में फ़र्क क्या होता है? तो डायमीटर में और कोर्ड में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो डायमीटर की जो लाइन सेगमेंट होती है वो हमेशा सेंटर से पास होती है, हमेशा सेंटर से पास होगी, ठीक है, ये वाला। जैसे कि मैं इसका नाम दे दूँगा डी, ठीक है। तो ए डी हमारा एक डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो पी बी है हमारा वो डायमीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। और कोर्ड जो होती है हमारी वो सेंटर से पास हो भी सकती है और
नहीं भी हो सकती है, ये मेजर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पी बी, ये हमारा सेंटर से पास नहीं हो रहा, ये हमारा कोड है, ठीक है। ए डी, ये हमारा सेंटर से पास हो रहा है फिर भी ये कोड है, ठीक है, क्योंकि जो कोड होती है हमारी वो सेंटर से पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो डायमीटर होगा वो हमेशा सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो अगर मैं कोड बोलूँ यहाँ पे, तो पी बी और ए डी दोनों ही कोड है आपकी, ठीक है, लेकिन जो डायमीटर है वो सिर्फ ए डी है, पी बी नहीं है, ठीक है। इफ़ पी एंड क्यू आर द टू पॉइंट्स, यू गेट द आर्क पी क्यू, ठीक है। अगर पी एंड क्यू हमारे ये दो पॉइंट्स हैं, जैसे पी ये रहा, क्यू ये रहा, और हमने इसको ऐसे जॉइन कर रखा है, यानी कि एक ये एक आर्क बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क बनी हुई है। तो हम इस पी क्यू आर्क को कैसे शो करेंगे, हम पी क्यू आर्क को इस साइन से शो करते हैं, ठीक है। पी क्यू बनाएंगे जहाँ से आर्क स्टार्ट हुई और जहाँ पे आर्क ख़त्म हुई, ऐसे लिखेंगे पी क्यू और फिर आर्क का ऐसे सिंबल बना देंगे, ठीक है, ऊपर। तो ये हमारा आर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसके बाद अगली चीज़ आती है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एक रीजन होता है जो कि सर्कल के इंटीरियर में होता है, यानी कि एक सेक्टर यानी कि एक ऐसा एक एरिया मान लो या फिर एक रीजन मान लो, ठीक है, जो कि सर्कल के अंदर होता है, ठीक है, इंटीरियर में होता है, और ये एक आर्क से इंक्लोज होता है। किससे होता है, आर्क से इंक्लोज होता है एज वन ऑफ द साइड एंड पेयर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो आप इसको सीधी भाषा में समझ सकते हो कि एक सेक्टर एक टाइप का एक रीजन होता है जो कि सर्कल के अंदर होता है, और ये जो है दो रेडियस से इंक्लोज होता है, यानी कि ये देखो एक ये रेडियस हो गई, एक ये रेडियस हो गई, इन दो रेडियस से इंक्लोज होता है। इसको नाम दे दो आप ए बी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सी ए रेडियस हो गई, सी बी रेडियस हो गई, इन दो रेडियस से इंक्लोज होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या हो गई आपकी ए बी आर्क, ठीक है। तो दो रेडियस और एक आर्क से ये इंक्लोज्ड एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो अब अगला है सेगमेंट, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इंक्लोज्ड बाय एन कोड एंड एन आर्क इज कॉल्ड एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट एक ऐसा रीजन या फिर एक ऐसा एरिया होता है जो कि सर्कल के अंदर होता है, ठीक है, और ये इंक्लोज किससे होता है, एक कोड से और एक आर्क से। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, हमारी आर्क क्या हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी एक आर्क हो गई, ठीक है, और एक कोड, ठीक है। तो कोड क्या हो गई, ये, तो इसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये हमारा एक सेगमेंट है, ठीक है। सेक्टर में और सेगमेंट में क्या फ़र्क है, सेक्टर में दो रेडियस और एक आर्क होती है, ठीक है, और सेगमेंट में एक आर्क और एक कोड होती है। तो अगर मैं इसका नाम दूँ सी और डी, ठीक है, तो आर्क हमारी हो गई सी डी, ठीक है, और एक हो गई हमारी कोड सी डी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गई सी डी और ये हमारी आर्क हो गई। तो इन दो से हमारा सेगमेंट इंक्लोज्ड है। तो आपको समझ आ गया होगा सेक्टर और सेगमेंट के बीच फ़र्क। अब हम पढ़ते हैं अगला। अब आता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इन इज इट्स सर्कमफेरेंस, यानी कि पूरे सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो पूरी सर्कल की बाउंड्री अगर हम उसको नापें तो वो उसका सर्कमफेरेंस होगी। जैसे कि मान लो आपके पास ये सर्कल है और ये आप एक पॉइंट ले रहे हो ए, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक थ्रेड लो, एक धागा सा लो और इसके पूरे ऐसे बाउंड्री पे लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, इस तरीके से पूरी बाउंड्री पे लगाते 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 वापस यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो अब ये पूरा थ्रेड इसके ऊपर कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इस थ्रेड को निकाल के आप स्केल से मेजर करो। स्केल से जब आप मेजर करोगे, जो भी आपकी थ्रेड की लेंथ आएगी, जो भी आपकी थ्रेड की लेंथ आएगी वो एक्चुअली इस बाउंड्री की लेंथ होगी, ठीक है ना, थ्रेड की जो भी लेंथ होगी वो इस बाउंड्री की लेंथ होगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल का सर्कमफेरेंस, यानी कि जो भी ये बाउंड्री की लेंथ होती है पूरी की पूरी, यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक जो भी पूरी बाउंड्री की लेंथ होती है उसे हम सर्कल का सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात।
लास्ट चीज़ है ये जो आपको सर्कल के बारे में सीखनी है, अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर मैं सर्कल के अंदर एक डायामीटर बनाऊँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक सर्कल लिया और यहाँ पे एक डायामीटर बना दिया ये, ठीक है। डायामीटर भी पढ़ाया था, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़े और वो लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए, ठीक है। ये सेंटर का नाम दे दो, लेट सपोज ओ, ठीक है, दे दिया हमने नाम। तो ये जो डायामीटर हो रहा है, ये जो डायामीटर सर्कल का है, ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है, यानी कि ये जो डायामीटर है इस सर्कल को दो भागों में तोड़ रहा है। एक ये वाला भाग हो गया नंबर वन और एक ये वाला भाग हो गया, ठीक है, नंबर टू। इन दोनों ही भागों का जो एरिया होगा, इन दोनों ही रीजन का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, मतलब ये भी और ये भी दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। अ सेमी सर्कल इज़ अ हाफ ऑफ अ सर्कल। अब इसे क्या बोलेंगे, ये जो हमारा दो टुकड़े हुए सर्कल के, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये, तो इस टुकड़े को हम बोलेंगे सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल होता है एक्चुअली एक सर्कल का पूरा हाफ ही होता है। अगर हम सर्कल को हाफ करेंगे तो हाफ करके हमें क्या मिलेगा, एक सेमी सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सर्कल के बारे में सब कुछ। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। आपको ये फिगर दे रखी है और आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देना है इस फिगर में से देख के, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इस फिगर के अंदर सेंटर ऑफ अ सर्कल कौन सा पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है, ओ। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल है आपका ओ, ठीक है। बी पार्ट है 3 रेडियाई। आपको यहाँ पे 3 रेडियाई को बताना है। तो रेडियाई वो लाइन होती है, वो लाइन सेगमेंट होती है जो कि सेंटर को सर्कल के एक पॉइंट से जोड़े, ठीक है। जैसे सेंटर है ये और सर्कल का एक पॉइंट है ये, ठीक है, तो ये इसको जोड़ रही है, तो इसे हम रेडियाई बोलेंगे। ये पॉइंट बाउंड्री पे होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। तो एक तो हो गया आपका ओ सी, ठीक है, ये रहा। एक हो गया आपका ओ बी, ठीक है। ये ऊपर क्या लगा रहा हूँ मैं, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का साइन है, ठीक है, और ये हो गया ओ ए, ठीक है। तो ये आपकी 3 रेडियस हो गई इस फिगर के अंदर। अगला आता है डायामीटर। डायामीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ती है, ठीक है, और वो दोनों पॉइंट जो है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो ए पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे है, सी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे है, और डायामीटर की हम जो लाइन होती है वो हमेशा सेंटर से पास होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ए सी, ये लाइन सेंटर से पास हो रही है और सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ रही है, तो ए सी आपका क्या है, एक डायामीटर, ठीक है। डी पार्ट है इसका अ कोड। कोड क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ती है ये भी, और वो दोनों के दोनों पॉइंट बाउंड्री पे होते हैं, जैसे ई डी को आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जो कोड की जो लाइन सेगमेंट होती है वो सेंटर से पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। डायामीटर में जो लाइन होती है वो हमेशा सेंटर से पास होगी, हमेशा, लेकिन कोड में वो हो भी सकती है और नहीं भी। तो आप देख सकते हो ये ई डी, ये वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ रही है और ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, इसका मतलब ये डायामीटर तो हो नहीं सकता, तो फिर ये क्या है, कोड, ठीक है। डायमीटर की लाइन हमेशा सेंटर से पास होती है। ई पार्ट है इसका 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। हमें दो पॉइंट बताने हैं जो सर्कल के इंटीरियर यानी कि अंदर हो, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको पी दिख रहा होगा यहाँ पे जो सर्कल के अंदर है, दूसरा पॉइंट ये क्या है, ओ। ओ भी तो सर्कल के अंदर ही है ना, ठीक है। तो एक हो गया आपका ओ और एक हो गया आपका पी, ठीक है। एफ पार्ट है इसका अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक पॉइंट बताना है जो कि एक्सटीरियर यानी कि सर्कल के बाहर हो, तो ये रहा वो पॉइंट जो सर्कल के बाहर है, ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे क्यू। नेक्स्ट आता है जी पार्ट, अ सेक्टर, ठीक है, सेक्टर बताना है। तो सेक्टर में मैंने क्या बताया था, सेक्टर वो एरिया होता है जो कि 2 रेडियस से और एक आर्क से इंक्लोज्ड हो। तो आप इस फिगर में अगर ध्यान से देखो तो ये आपका सेक्टर है, ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है, यहाँ पे जो 2 रेडियाई हैं वो कौन सी है, ओ ए और ओ बी, ठीक है, ये आपकी 2 रेडियाई हैं, और आर्क कौन सी है, ए बी। जो 2 रेडियाई और एक आर्क से एरिया जो इंक्लोज होता है उसे सेक्टर कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, सेक्टर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए ओ बी, सेक्टर ए ओ बी, तो ए ओ बी। लास्ट आता है अ सेगमेंट। तो सेगमेंट में वो एरिया इंक्लोज होता है जो कि एक कोड
और एक आर्क से इंक्लोज हो। यहाँ पे कोड कौन सी है आपकी, ईडी, ठीक है, ईडी वो आपकी एक कोड हो गई, और आर्क कौन सी हो गई आपकी, आर्क भी आपकी ईडी ही हुई, ठीक है। तो ये रही आपकी ये आर्क और ये रही आपकी कोड, तो इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका ईडी, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कोड, जो सर्कल का डायमीटर होता है वो कोड भी होता है क्या? तो इसका आंसर है यस। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर से पास होती है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कोड भी एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर से पास होती है और नहीं भी होती, मतलब कोड सेंटर से पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये डायमीटर है, ठीक है, और ये कोड भी है, क्योंकि ये कोड भी सेंटर से पास हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो डायमीटर होता है सर्कल का वो कोड भी कहला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर यस आएगा। बी पार्ट है इसका, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल आल्सो अ डायमीटर, क्या सर्कल की जो कोड होती है, ठीक है, चाहे आप कहीं पे भी कोड को बनाओ सर्कल के अंदर, वो उसको हम डायमीटर भी बोल सकते हैं क्या? तो इसका आंसर तो नो ही है ऑब्वियसली, क्योंकि कोड जो है सर्कल के सेंटर से पास हो भी सकती है और नहीं भी। अगर वो नहीं होती, अगर वो कोड जो है यानी कि जो लाइन सेगमेंट है वो अगर सेंटर से पास नहीं होती, तो वो डायमीटर तो हम उसे कह ही नहीं सकते, ठीक है। इसी वजह से कोड को कभी भी डायमीटर नहीं बोल सकते हम सर्कल के अंदर। तो इसका आंसर नो आएगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, हमें एक सर्कल बनाना है और फिर हमें इनके मार्क करना है सर्कल के अंदर। तो ये मैंने सर्कल बना लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें उसका सेंटर मार्क करना है, तो ये मैंने पॉइंट बना दिया सेंटर का, इसको नाम देते हम ओ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओ। अब हमें सबसे पहले एक रेडियस बनानी है इसके अंदर, तो रेडियस बनाते हैं अब। तो ये हमने रेडियस बनाई है, ठीक है, इसको इस पॉइंट को नाम देते हैं ए। तो ये रेडियस हमारी हो गई ओ ए, ठीक है। अब हमें बनाना है डायमीटर, ठीक है, जो कि सेंटर से पास हो और दो पॉइंट्स को जोड़े, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं हम बी और सी। ये देखो ये लाइन सेगमेंट बन गई, दो पॉइंट्स को जोड़ रही है और ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बी सी। अगला है सेक्टर, हमें सेक्टर बनाना है। तो आप देख सकते हो ये रही एक रेडियाई, ये रही एक रेडियाई, ठीक है, दो रेडियाई आपकी हो गई, ये आपकी आर्क हो गई। तो ये आपका एक सेक्टर बन गया यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा सेक्टर हो गया, ठीक है। इसको नाम देते हैं बी ओ ए, ठीक है। अगला एक सेगमेंट, जिसके अंदर एक कोड होनी चाहिए और एक आर्क होनी चाहिए। तो ये मैंने एक कोड बनाई, ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा सेगमेंट हो गया। इसका नाम दे देते हैं हम एक्स और वाई, ठीक है। एक्स वाई आपकी कोड है और एक्स वाई आपकी कोड हो गई और एक्स वाई आपकी आर्क हो गई, ठीक है। तो ये हमारा एक सेगमेंट बन गया, इसका नाम हो गया एक्स वाई सेगमेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया एक सेगमेंट है। अब है एक पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, एक पॉइंट होना चाहिए जो इस सर्कल के अंदर हो। तो ये मैंने एक पॉइंट बना दिया जी पॉइंट, ठीक है, ये हो गया जी। अब पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक पॉइंट जो कि बाहर हो इसके, तो ये एक पॉइंट बना दिया एच, ठीक है, एच हो गया आपका, और एक आर्क, ठीक है। तो आपकी एक आर्क जो है ये भी हो जाएगी बी ए पूरी की पूरी, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ये आपका, ये बी ए आर्क है आपकी, और ये एक्स वाई भी आपकी एक आर्क की, ये जो पार्ट है ये आर्क है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर फोर है ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट कहता है आपका, टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, तो यस ट्रू, जो दो डायमीटर होते हैं सर्कल के वो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो हाँ ट्रू आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है डायमीटर ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, और जब दो डायमीटर्स सेंटर से पास होंगे तो एक दूसरे को सेंटर पे तो काटेंगे ही एक दूसरे को। जैसे कि आप देख सकते हो एक डायमीटर ये रहा, ठीक है, और एक डायमीटर ये रहा, तो ये दोनों के दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं, तो सेंटर पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। चाहे आप कहीं पे भी एक डायमीटर बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, ठीक है, चाहे आप ऐसे बना लो, कहीं पे भी कैसे भी डायमीटर बनाओ, वो एक दूसरे को सेंटर पे हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे।
और बी पार्ट है इसका, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, क्या जो सर्कल का सेंटर होता है वो हमेशा सर्कल के अंदर होता है, तो ट्रू, जो सर्कल का जो ये सेंटर होगा ये हमेशा सर्कल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।